जी जनाब वेलकम। आज मेरे साथ मौजूद है किड सेक्शन में अब्बास। अब्बास जिगर मुझे देख रहे, तू उधर देख रहा है टीवी पे, तो तू ही तू है, बस तू छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरा अब्बास का कॉन्वर्सेशन जो होने जा रहा है साथियों, उसका टॉपिक है फुटबॉल। वैसे अब्बास ये वाला फुटबॉल, अगर एक्चुअली से फुटबॉल खेलने की कोशिश करें जो मेरे हाथ में, खेलेंगे मैं और तुम मिलके खेल सकते हैं वैसे ना, आज ट्राई करते हैं अभी। अच्छा जी अब्बास, टेल मी के फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ, रशिया में हुआ, फ्रांस जीता। फ्रांस क्या था मतलब फेवरेट था, नंबर वन आपके ख्याल में था? जी फ्रांस मेरा ख्याल में नंबर वन था फेवरेट। वो कैसे? क्योंकि जो फ्रांस का स्क्वाड था वो खाली स्क्वाड नहीं, उनकी खुद टैक्टिक्स भी बहुत अच्छी थी। जो उनका मैनेजर डिडियर देशाम्स, उसका बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो इसलिए दे इवन डिजर्व टू विन दिस। और या उसका क्या एक्सपीरियंस है? वो 1988 में जब फ्रांस जीता था वो कैप्टन था। अच्छा, वो उनका कैप्टन था, ही वाज द वन हु मेड देम विन। ये 1988 में, फिर 1990 में जब यूरो कप हुआ था, यूरो कप फाइनल, तो ये वो भी जीते थे इसकी वजह से। और वैसे भी ये बहुत पुराना मैनेजर है फ्रांस का, डिडियर देशाम्स। मतलब मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, क्योंकि एक्चुअली हम देखते हैं कि फील्ड के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन जो मैनेज उन्हें करता है ये बड़ा वाइटल फैक्टर होता है, इसीलिए तो अच्छा खेलते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्रोएशिया ने सरप्राइज किया सबको, हाउ डिड दे डू इट? आई थिंक जो क्रोएशिया का टैक्टिक्स थे, आई थिंक दे वर टू गुड। अच्छा, और इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज किया गया? इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज किया गया, एंड इट वाज एक्चुअली देयर फर्स्ट टाइम इन राउंड ऑफ 16 फाइनल्स। बड़ी बात है कि वो फ्रांस के साथ अगेंस्ट फ्रांस एग्जैक्टली फाइनल्स में आ गए। और उनको वो कोई गोल्डन बूट वगैरह भी उनके जी, उनका जो कैप्टन लुका मॉड्रिच रियल मैड्रिड का मिडफील्डर, उसको जी गोल्डन बूट मिला है। अच्छा ये बताएं कि रशिया वाला जो वर्ल्ड कप था, इसमें और पुराने वर्ल्ड कप्स में क्या फर्क आप देखते हैं जब आप एज एन एनालिस्ट अभी जो सारे वर्ल्ड कप्स को एनालाइज करते हैं? जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था ब्राजील में, 5.5 मिलियन फैंस आए थे वो देखने के लिए ब्राजील में, ठीक है। एंड वो भी उन्होंने अच्छा, यू नो, उसकी पब्लिसिटी अच्छी थी, उन्होंने उसको अच्छा पब्लिसाइज किया था, मार्केटिंग उसकी अच्छी थी। नो वन, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये जो वर्ल्ड कप रशिया में, कि इधर यू नो इतने ज्यादा फैंस आएंगे और ये सब ब्राजील कुछ वाले से ज्यादा है। ये ब्राजील वाले से ज्यादा, ये 7.7 मिलियन फैंस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखने के लिए। ये तो मेरे ख्याल रिकॉर्ड है फिर। ये रिकॉर्ड है। और मेरे ख्याल ऑनलाइन और टेलीविजन पे भी जितनी हाइप इस दफा वर्ल्ड कप की थी अब्बास, वो कभी भी नहीं थी, है ना। एंड रशिया ने इतना अच्छा मैनेज किया, उनकी पब्लिसिटी सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया। जनरली जो रिव्यूज आ रहे हैं और जो फैंस वहाँ पे गए बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, टीम्स भी बहुत खुश हैं, जो प्लेयर्स वो भी खुश थे, और जो व्यूअर्स थे, जो ऑडियंसेस थी, वो भी बहुत खुश थे। अच्छा अब बताइए कि पाकिस्तान में भी बहुत क्रेज, खासतौर पे यंगस्टर्स में, टीनएजर्स में, व्हाट डू यू थिंक? पाकिस्तान में फुटबॉल का शौक तो बहुत है, लेकिन इसको और ज्यादा बेहतर प्रमोट करने के लिए क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को आपके ख्याल में स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे पाकिस्तान में पीएसएल होते हैं, प्लेयर्स इधर से दुबई जाते हैं, कभी इधर मैचेस होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान को एक फुटबॉल भी लीग बनानी चाहिए। यू नो डिफरेंट टीम्स, दे शुड मेक डिफरेंट टीम्स, यू नो सिटीज की, सिटीज की, कराची, लाहौर, पेशावर की, या राइट, सिटीज की टीम्स। बट जैसे पीएसएल है, जैसे क्रिकेट का पीएसएल है, ठीक हां, लेकिन जैसे पीएसएल है इसमें तो कम टीम्स हैं, जैसे वर्ल्ड कप है इस तरह भी ये लोग लीग बनाए, जैसे बाकी जैसे प्रीमियर लीग है उस तरह भी ये लोग एक लीग बनाए। एंड यू नो जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें फुटबॉल इज, you know, it's really famous. Pakistan mein all it is famous, but people don't promote football in Pakistan. क्या करना चाहिए उसको promote करने के लिए? एक तो आपने मशवरा दिया कि leagues होनी चाहिए, league होनी चाहिए football की, और क्या हो सकता है
बच्चों को कैसे इस पे इनकरेज किया जा सकता है? यार मे बी स्कूल्स के अंदर हम उसको ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। स्कूल्स के अंदर कर सकते हैं प्रमोट। वो स्कूल्स में आजकल हम बहुत ज्यादा फुटबॉल चल रही है, ऑलरेडी भी चल रही है। जी एक इंटर चैंपियनशिप है पाकिस्तान में स्कूल्स की। स्कूल्स की, अच्छा ग्रेट। सो और मेरे ख्याल सस्ता भी है। सस्ता भी है। क्रिकेट के लिए आपको पूरी किट लेनी पड़ती है, विकेट्स, बैट लेना पड़ता है, बॉल उसकी एक्सपेंसिव है। इसमें तो खाली एक बॉल और प्लेयर्स, एक बॉल है और दो बंदे भी खेल सकते हैं इसको, है ना? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अब्बास। और अब्बास आपको पता है हमारा जो सेगमेंट है इसके अंदर जो किट सेगमेंट है इसमें हम कभी कभी पेट्स भी लेके आते हैं, लाइव एनिमल्स। कल पोलो हमारे साथ थे, उससे पिछले दिन वो द लॉयल कैट कपल हमारे साथ था। तो हमें वो सब साथी जो कि शायद यहाँ हमारे स्टूडियोज में नहीं आ सकते लेकिन उनके पास पेट्स हैं और वो हमें पेट्स की तस्वीरें भेजते हैं। तो इस वक्त हम आपको जनाब कुछ पेट्स की तस्वीरें दिखाने लगे हैं। बताइए जी किसकी तस्वीर है, किसने भेजी है? मुनज़्ज़ा अहमद ने भेजी है। कहाँ से? ओह लुक एट दैट। कहाँ से? बूरे वाला से, केटी। अच्छा यार ये चूजे वाली तस्वीर को जरा ना हिलाना अभी। ओए होए होए होए, केटी जो है वो चूचू के साथ है और चूचू का रंग ग्रीन है। वाह जी वाह। और केटी मुझे लग रहा है कोई जबरदस्ती की दोस्ती हुई भी है दोनों की, है ना? उसकी लेकिन केटी की आंखें चेक कर जिगर, वो देखो एक ब्लू है और एक येलो। ये बड़ी यूनिक चीज होती है बिल्लियों के अंदर, कितनी खूबसूरत है। लुक एट दैट। अच्छा जी ये खदीजा शहबाज ने भेजी है और इसका नाम हमें नहीं पता। खदीजा आपने नाम भी बिल्ली का लिख के जरूर भेजना था। और ये डॉल्स भी किसकी हैं जी? खदीजा शहबाज ने अपनी बिल्ली की तस्वीर भी भेजी है जो मजे से शरप शप करके दूध पी रही थी और जबान फेर रही थी होंठों पे, और अभी उनकी डॉल्स हैं, साथ ट्वीटी भी है। लवली खदीजा, थैंक यू वेरी मच। और साथियों आपको मैं ये कहूँगा कि आप जब भी अपनी डॉल्स की या अपने पेट्स की तस्वीरें भेजें तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम और अपने पेट का नाम जरूर लिखें ताकि उनकी भी मशहूरी हो। अब्बास थैंक यू वेरी मच, हाई फाइव। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस, अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और एक सैलाब है आपके सवालों का जो हमें अपने फेसबुक पेज ब्रेकफास्ट एट होम के इनबॉक्स में भी आ रहा है और तौसीक हैदर जो मेरा फैन पेज है उस पर भी इनबॉक्स करके मैं खोलता हूँ कि हाँ जी कोई लिखेगा तौसीक भाई आपकी आज शर्ट बहुत अच्छी थी, आगे से कहते तौसीक भाई आमिर कुरैशी से ये पूछ के बताए। गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग आमिर और उर्फ आम में एक यू। आपका सेगमेंट सुपरहिट हो गया पहला ही। That's very nice to hear. I'm very very happy. बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि लोग इस तरह से सवाल कर रहे हैं, रिएक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। और मुझे जो खुशी ये हो रही थी आमिर कि सवाल बड़े जेन्युइन सवाल है, ये नहीं कि सिर्फ अपना नाम टीवी पे सुनने के लिए सवाल आ गया या आमिर कुरैशी का जवाब आए। So, but they had very, very pertinent and valid questions. जी जी तकरीबन सारे ही सवाल ऐसे हैं which have required quite a lot of thinking on my part कि किस तरह से जवाब दूं और well thought out है। अच्छा एक आपको चीज़ बताते चलें कि जब आप इनबॉक्स करते हैं कोई भी क्वेश्चन आमिर कुरैशी के लिए तो काइंडली सिर्फ सवाल ना भेजें, उस पर आप या तो ए क्यू लिखते हैं या आमिर कुरैशी के लिए क्वेश्चन या क्वेश्चन ए क्यू कुछ लिखें ताकि हमारी टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है ऑनलाइन आपके आपका हमारे शो के लिए, तो हमें ज़रा क्लियर हो जाता है कि ये सवाल ट्रेनर काशिफ के लिए है, तहमीना के लिए है, आमिर कुरैशी के लिए है, रिदा के लिए है, किसके लिए है। दूसरा पॉइंट ये कि आमिर मेक्स श्योर कि आपके हर सवाल का वो फेसबुक पे ऑनलाइन भी जवाब देते हैं और मेरा ख्याल है बेशुमार पिछले चार दिन में इन्होंने जवाब दिए हैं, दो तीन क्वेश्चंस मैं भी आज लेकर आया। अच्छा जी आज के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आमिर ये बताइए कि क्या ट्रेंड्स हैं? सो जनरल ट्रेंड्स तो वही डॉक्टर इंजीनियर। हाँ जी पाकिस्तान में हर चीज़ ट्रेंड के बेसिस पे चलती है जिसको मैं कहता हूँ कि एक फैड सा आता है। तो कोई 15-20 साल पहले शुरू हुआ था MBA का फैड, हर एक MBA करता गया। Whereas, जब हम यंग थे, when we were younger, I'm much, when I was young, तो उस जमाने में हमारे पास choices बहुत कम होती थी। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन कर लो।
फॉर एग्जाम्पल. तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड्स आते गए हैं. तो MBA के ट्रेंड के बाद आया CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ट्रेंड आया, और अभी भी चल रहा है किसी हद तक. लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आया ACCA का फैड, वो अकाउंटिंग की ही एक और क्वालिफिकेशन है. तो आजकल फैड चल रहे हैं IT के. हर जो बच्चा है वो IT में कुछ करना चाहता है. फिर लेटेस्ट ट्रेंड जो है, विच इज अगेन अ ह्यूज ट्रेंड इन पाकिस्तान, कि हर एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, और वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो इस वक्त बज है, बूम है पाकिस्तान में, वो इस वक्त एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है. बट आई थॉट आज हमें बात करनी चाहिए MBAs के बारे में, कि आजकल उसका क्या स्कोप है. लेकिन ये जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप है, इस पे भी किसी दिन अलग से सेशन रखेंगे. जी, इस पे वी विल हैव अ सेगमेंट, क्योंकि बहुत ही अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं यंग जनरेशन के लिए इस एरिया. अच्छा जी, MBAs के हवाले से बताएं, क्या अभी भी MBA करना चाहिए या मार्केट सैचुरेट कर? किसी हद तक मार्केट सैचुरेट हो गई है, क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है उसमें पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग वही क्वालिफिकेशन कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो MBA की क्वालिटी जो है ना, सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट वेरीज अ लॉट. कई जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका MBA प्रोग्राम बहुत अच्छा है अपीयर, और जो ज़रा एवरेज लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टैंडर्ड काफी नीचे है, विच बेसिकली एक अंडर ग्रेजुएट किस्म का प्रोग्राम हो जाता है. अच्छा जी, स्लाइड्स पे क्या है हमारे लिए? हाँ जी, स्लाइड्स पे हमने बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है, कि MBAs की क्वालिटी में बहुत फर्क है. उसके साथ साथ जो सबसे अच्छे MBA रिकग्नाइज किए जाते हैं पाकिस्तान में, द टू बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एक तो LUMS है, नो सीक्रेट, LUMS इज रैंक्ड एज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट टू, और सेकंड वन ऑफ कोर्स इज IBA. बोथ आर नेक एंड नेक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. IBA कराची और LUMS लाहौर, और दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है. उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं विच आर कंसिडर्ड गुड, और उनके प्रोग्राम्स काफी डेवलप कर गए, एक है गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट ट्रेडिशनली नोन फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, लेकिन पिछले चंद सालों में उनका MBA प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया. उसमें स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है वर्क एक्सपीरियंस के लिए. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, GCU, और NUST ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जो है उसकी भी रेपुटेशन अच्छी है, और एंड इट्स कमिंग अप एज अ मैनेजमेंट स्कूल उनका जो है, NUST का मैनेजमेंट स्कूल. लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के साथ MBA करना इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसका क्या मतलब? अगर आप सीधा अंडर ग्रेजुएट डिग्री या अपना BA करने के बाद MBA करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि यू लैक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. तो अच्छे MBA प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि कम अज़ कम 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आए, ताकि आपको जिंदगी के बारे में, काम के बारे में कुछ ज्यादा. यानी आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि पहले BBA या BBA करें, उसके बाद 2 साल मार्केट में एक्सपीरियंस लें और उसके बाद MBA करें. जी, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें LUMS की हमने बात की है, LUMS की रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब आपको कंसिडर किया जाएगा. ठीक. और MBA के साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये डिसाइड कर लें कि किस एरिया में स्पेशलाइज करना है. बहुत सारे MBA प्रोग्राम्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन करें. सो रादर देन अ जेनेरिक MBA, आप फाइनेंस में स्पेशलाइज कर सकते हैं इफ़ दैट्स व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, वरना आप एंटरप्रेन्योरशिप पे कर सकते हैं, HR में, तो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. मार्केटिंग में कर सकते हैं. जी, मार्केटिंग इज अनदर ऑप्शन. तो इट्स अच्छा आपको एक फोकस्ड MBA करना चाहिए, ताकि आपके पास MBA के साथ साथ एक स्पेशलाइजेशन भी हो जाए. ग्रेट. सो AQ टिप्स पे आते हैं. AQ टिप्स क्या हैं जी? जी, फर्स्ट, और ये आपको बताते चले, ये मिलियन डॉलर टिप्स हैं, ये सिर्फ AQ के पास हैं या और किसी के पास हैं? और मिलियन डॉलर वाला बिल्कुल आखिर में दूंगा, वो आखिर में. तो एक चीज जिस पे हम अभी बात कर चुके हैं कि MBA करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो. सो दैट्स द फर्स्ट टिप. और अगर आप ऑलरेडी, लेट्स से यू आर स्लाइटली ओल्डर, और आप करियर में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन आप फील करते हैं कि यू आर अ बिट स्टक, आगे प्रमोशंस नहीं मिल रही, आगे रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो आपके लिए एग्जीक्यूटिव MBA की भी ऑप्शन होती है, विच इज़ लाइक अ फास्ट ट्रैक MBA, और वो आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको ऑफर, यानी सुबह नौकरी करें और शाम को एग्जीक्यूटिव MBA करें. बिल्कुल. तो ये अच्छी ऑप्शन है आपके लिए अपने करियर को, एक लेट्स से गिविंग अ बूस्ट टू योर करियर. ठीक. और एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या कोई और प्रोफेशन है, यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी एन IT एक्सपर्ट, यू कुड बी एन इंजीनियर, तो MBA अगर आप उसके साथ कर लेते हैं, दैट सप्लीमेंट्स दैट क्वालिफिकेशन. अच्छा, डॉक्टर प्लस MBA. डॉक्टर प्लस MBA का करियर पाथ बड़ा अच्छा होता है, बिकॉज यू कैन गो इनटू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल, रादर देन जस्ट बीइंग अ डॉक्टर. और साथ में आपके पास जब क्वालिफिकेशन होती है एज अ डॉक्टर, यू आर अ वंडरफुल एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. लवली आइडिया. और इसी तरह कुछ और भी, कोई भी आपका प्रोफेशन है, मसलन मीडिया में आप हैं और साथ आप MBA कर लें, तो मेरे ख्याल आर्ट और बिजनेस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन, बिकॉज़ अक्सर
मीडिया वालों के बारे में कहते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस, तो एमबीए गिव्स यू दैट नॉलेज एंड देन यू कैन अप्लाई दैट, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है. सो एमबीए सप्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स योर अदर क्वालिफिकेशंस. ग्रेट. और एक और चीज़ जो है, बहुत सारे सवाल जो लोगों की तरफ से आ रहे हैं इन द लास्ट वीक्स जब हमारा सेगमेंट हुआ था, एक आपका बेस्ट फ्रेंड ऑनलाइन होना चाहिए, आंटी और अंकल गूगल, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं. वाल आई एम हैप्पी टू आंसर, अगर आप सिर्फ टाइप कर देते हैं, किसी ने मेरे से पूछा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या सब्जेक्ट करने चाहिए, तो अगर आप कर लें बैंकिंग एंड फाइनेंस डिग्री सब्जेक्ट्स, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा. ज़रूर मेरे से सवाल पूछें, बट डू सम बेसिक रिसर्च. सो अंकल गूगल जो है वो भी He is very helpful. Maybe even more knowledgeable than me. अच्छा जी, और ये क्या है जी आखिरी पॉइंट जो आ रहा है, meet alumni and career officers. ये choosing a university जो है, it's a big decision because university defines virtually the rest of your life. तो मैं ये suggest कर रहा हूँ कि आप university में जाएं, उनके alumni जो होते हैं, जो पढ़ चुके होते हैं उस university से, उनसे बातचीत करें, उनके online forums होते हैं, उनसे connect करें. और जो करियर ऑफिसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उधर जाएं, उनसे भी आप मिल सकते हैं एंड आस्क देम द रियली हार्ड क्वेश्चंस कि पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स थे उनमें से कितने परसेंटेज को नौकरी मिल चुकी है, क्या सैलरी थी, किस तरह की नौकरियां मिली हैं, किस कंपनीज ने उनको एम्प्लॉय किया, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सिर्फ ऑल यू नीड टू डू इज आस्क. अच्छा जी, बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, लेकिन आज के सेगमेंट का वक्त अब हमारे पास नहीं है, उनको ड्रॉप करते हैं. लेकिन इन सब के सवालों के जवाब आमिर जो हैं वो ऑनलाइन देंगे. अगर कहते हैं तो क्विकली मैं, अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल खालिद ने बहावल नगर से पूछा है, CSS FSC के बाद हो सकता है या मास्टर्स के बाद ही करना चाहिए? CSS बहुत मुश्किल क्वालिफिकेशन है, पहले तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है. FSC के बाद बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. साजिद हुसैन घोटकी सिंध से कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं क्या करूँ? जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उन सब के पास एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स, तो उनकी वेबसाइट पे जाएं एंड यू विल फाइंड द आंसर्स. ग्रेट. और हरीम चौधरी सरगोधा से आपको भी जवाब मिल जाएगा ऑनलाइन, और दाइम मलिक लाहौर से आपको भी, एंड मैनी मैनी मोर, आप सबको जवाब आमिर जाके ऑनलाइन देंगे. आप भी सवाल कर सकते हैं आमिर से. अब आते हैं जी आखिर में मिलियन डॉलर सक्सेस का जवाब, के मतलब पाकिस्तान में सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इसका सवाल मिलियन डॉलर्स, इट्स वर्थ अ मिलियन डॉलर्स, ये जवाब है, लेकिन इट्स सो सिंपल कि पीपल विल वंडर कि इस पे खुद क्यों नहीं करते सोचते. द बेसिक थिंग इज, पाकिस्तान में प्रोफेशनली सक्सीड करने के लिए वन थिंग यू नीड एंड विच विल रियली कैटापल्ट योर करियर, विच इज टू बी एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश. अगर आप अंग्रेजी समझ लेते हैं और लिख लेते हैं और बोल लेते हैं, आपका करियर कहीं से कहीं जा सकता है. और ये बात लोगों को समझ नहीं आती, बिकॉज ओनली 5 or 10% कैन स्पीक इंग्लिश. फिर किसी किसी सेगमेंट में हम आमिर से भी पूछेंगे कि अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कोई ऑनलाइन कोर्सेज लेने चाहिए, या वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का जो गली के नुक्कड़ पे एक सेंटर बना हुआ है हमारे उस पर जाना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे. आमिर थैंक यू वेरी मच, लवली सेगमेंट वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आज हम तेज तेज हैं क्योंकि आज कमर्शियल ब्रेक बहुत ज्यादा है और काम भी बहुत ज्यादा है. रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं. वेलकम बैक, ब्रेकफास्ट एट होम में एक बार फिर. और प्रोग्राम के आगाज में आपसे बात हो रही थी कि कल वोटें डालनी है, कल इलेक्शंस हैं, और कल हम 5 साल के बाद इस अमल से दोबारा गुजरने वाले हैं. एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, और मैं तो बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल देख के बड़ा खुश होता हूँ. अपनी पसंद की पार्टी के झंडे उठा के साइकिलों पे फिर रहे हैं, मोटरबाइक्स पे फिर रहे हैं, और आई थिंक एक अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, जमहूरियत के लिए, ये बच्चों का और टीनएजर्स का एक्साइटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर फ्यूचर वोटर्स. इन्होंने कल को जब ये 18 साल के हो जाएंगे, अपना वोट रजिस्टर करा लेंगे, शनाख्ती कार्ड बन जाएगा,
उसके बाद इन्होंने भी वोट डालना है. तो ये पूरा जो अमल है, इस जमहूरी अमल का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको इलेक्शन कहते हैं, जनरल इलेक्शंस, कौमी असम्बली के इंतखाबात या सूबाई असम्बली के इंतखाबात. इसके लिए बच्चों को, टीनेजर्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है. आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जी कल वोटिंग है, वोट कैसे डालना है, अंदर जाके पहले किधर जाना है, फिर किधर जाना है. छोटे छोटे सवाल हैं जो कि हमें शायद जिनका जवाब उस तरह से मालूम नहीं है. मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इसके बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा पोलिटिकल परस्पेक्टिव में बात हो रही है. तो हमने सोचा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी को बुलवाया जाए. हमारे साथ निकहत सिद्दीक साहिबा मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये इस वक्त आपको बहुत मुस्कुराती हुई, बड़ी हशाश बशाश और फ्रेश नजर आ रही है, लेकिन ECP के मेरा ख्याल स्टाफ पिछले काफी महीनों से ना सोया है और ना जी. बिल्कुल. अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई एम गुड, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. इट्स इम्पोर्टेंट कि लेकिन जगराते चल रहे हैं. बहुत 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 ज्यादा काम हो रहा है और इस वक्त तो बहुत ही हाइप बिल्कुल अपने उस पे. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि लास्ट दिन पे आपने टाइम निकाला. अच्छा ये बताइए निकहत साहिबा कि कल कितने से कितने बजे तक पोलिंग है? कल सुबह इंशाल्लाह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हमारी वोटिंग. 8 से 6. और कल तो छुट्टी है, मैं तो आराम से सोऊंगा सारा दिन. नहीं, कल छुट्टी नहीं है. छुट्टी नहीं है. कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है. कल अपने लिए नहीं, कौम के लिए, नेशन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए निकलना है और वोट डालने जाना है. वोट डालने जाना है, लेकिन टेक्निकली छुट्टी है. और छुट्टी भी इसलिए की गई है, ये नहीं कि आप सैर सपाटा करने चले जाएं या सारा दिन सोते रहे. छुट्टी इसलिए की गई है ताकि आप आसानी से पूरे दिन में किसी भी वक्त जाके वोट डाल सकें. अच्छा क्यों आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि भी सुबह सुबह ही जाके इस अमल से गुजरा जाए, क्यों शाम में रश ज्यादा हो जाती है? एज एंड हाउ द डे पासेस, तो ज्यादा से ज्यादा फिर लोग और फिर रश ज्यादा हो जाता है, फिर लाइन में ज्यादा कतारों में खड़ा. तो जल्दी अगर जाएंगे तो जल्दी अपना वोट डाल के आप फारिग हो जाएंगे. यानी सुबह 8 बजे के अराउंड चले जाएं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा ग्रेट. वोट डालने का जो तरीका है वो मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था, वो बिल्कुल इट इज देयर, लेकिन उसका कोई आसान सा तरीका हो कि घर में इस वक्त हमारे व्यूअर्स जो है, खवातीन हजरात, वो समझ जाएं कि जाना है तो पोलिंग स्टेशन में एंटर होने के बाद हमारे साथ होगा क्या. ये एक बहुत ही छोटी सी हमने 3 मिनट की वीडियो बनाई है जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, जो ऑडियो विजुअल और फिर साइन लैंग्वेज में भी है, ताकि तमाम अफराद उसको अच्छी तरह से समझ लें. और बहुत ही आसान स्टेप्स, जब पोलिंग स्टेशन में एंटर होने से आखिरी स्टेप जबकि आपने बाहर निकलना है वोट डालने का, बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ. और आपकी जरा वेबसाइट का भी बता दीजिए, अभी हम वो वीडियो प्ले भी करेंगे जी. लेकिन वो www.ecp.gov.pk www.ecp और ये सारे स्मॉल हैं .ecp.gov.pk. ग्रेट. इस वेबसाइट पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं और जनरली इलेक्शंस के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. हम आपको ये वीडियो दिखाने लगे ताकि आपको बुनियादी स्टेप्स पता चल जाए वोट डालने का तरीका. इनफैक्ट इसी वीडियो के सिलसिले में मेरी निकहत साहिबा से मुलाकात हुई. बहुत ही अच्छी. इस के अंदर आपको यह जो आवाज अभी आप सुन रहे हैं दोबारा आपको सुननी पड़ेगी, तो उसके लिए माजरत. वीडियो देखिए और उसके बाद इस हवाले से निकहत से बात करते हैं. जी प्ले कीजिए. जी जनाब वेलकम बैक. आज का जो शो है ब्रेकफास्ट एट होम, यूजुअली हम 4 बजे आपके लिए दोबारा लेकर आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन की तैयारियां हैं, पाकिस्तान टेलीविजन भी आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन प्लान कर रहा है, तो थोड़ा सा हमारे स्केड्यूल में चेंज आया है. आज हम 4 बजे नहीं बल्कि आज रात 12 बजे इस प्रोग्राम को आपके लिए रिपीट रन में लेकर आएंगे. निकहत सिद्दीक साहब है एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. निकहत ये बताइए कि इस दफा के इलेक्शन में नया क्या है? इस दफ़ा के इलेक्शन में आप देखेंगे बहुत कुछ नया है आपके लिए. सबसे पहले तो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है 2017 जो अक्टूबर में प्रमलगेट हुआ वो बहुत नया है. फर्स्ट टाइम उसके हिसाब से इलेक्शन हो रहा है. और फिर इस लॉ में बहुत कुछ आई वुड से जेंडर सेंसिटिव है और बहुत कुछ पहली दफ़ा हो रहा है. इन द सेंस कि अगर आप देखें कि सेक्शन 9 जो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि इनकेस 10% से कम खवातीन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आईं तो उधर का इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, यानी कि कल अदम करार दे दिया जाएगा. किसी भी हलके में अगर खवातीन वोटर्स की तादाद एक एक्स अमाउंट है उसके 10% से कम वोट डालने आईं बिल्कुल तो वो कैंसिल हो जाएगा इलेक्शन उस हलके का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा.
और वो दोबारा इलेक्शन, वो रीपोल होगा उस जगह पे। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस दफ़ा, ताकि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और हमारा इंक्लूसिव इलेक्शन हो, इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस हो, ख़वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए आई थिंक ये वाला हमारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 47 एंड 48 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास बाई लॉ ये मेयर्स लेने थे कि ख़वातीन को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ट्रांसजेंडर को, माइनॉरिटीज़ को इनरोल किया जाए अपने इलेक्टोरल रोल में, उनको एज वोटर्स रजिस्टर किया जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन भी पीछे चलाई थी जिसमें कि हमने ये देखा कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में क्यों वोटर्स नहीं हैं, और उसकी वजह हमें ये समझ में आई या नज़र आई कि वो शनाख्ती कार्ड होल्डर नहीं है। वोटर होने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन या किसी के पास भी शनाख्ती कार्ड हो। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने नादरा के साथ मिल के और फिर सिविल सोसाइटी को साथ लगा के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका के नाम था फीमेल NIC एंड वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन। ये हमने 103 अजला में कैंपेन की थी जिसके तहत हमारे पास इस एक कैंपेन जो कि हमने सिविल सोसाइटी और नादरा के साथ, और एक हमारी कैंपेन नादरा के साथ चल रही थी, और अभी हमारा एक रिविजन हुआ है इलेक्टोरल रोल का। इन तीनों चीज़ों को मिला के अभी आने वाले इलेक्शन के लिए इंशाल्लाह हमारे पास 3.8 मिलियन की तादाद में ख़वातीन नई रजिस्टर हुई हैं वोटर्स, यानी कि तकरीबन 38-40 लाख। जी बिल्कुल, 38 लाख ख़वातीन फर्स्ट टाइम वोटर्स रजिस्टर हुई हैं। सो हम देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर, इट इज अ ह्यूज नंबर अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि अगर कोई वोट किसी को, खातून को या किसी भी मर्द को या औरत को वोट डालने से रोकता है, उसके ऊपर भी कोई कानून बना है, उस पर कोई सजा हो सकती है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा अब मैं यही उसी तरफ जा रही थी कि इलेक्शन एक्ट में इस दफ़ा 170 के तहत अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं, अगर किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाए वोटिंग करने से रोका जाए या कंटेस्ट करने से, ठीक, दोनों सूरतों में सेक्शन 174 के तहत बिल्कुल देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 100,000 रुपीज का फाइन है, और 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल तक की कैद हो सकती है, डिपेंडिंग, या दोनों भी हो सकती है डिपेंडिंग के ऑन द नेचर ऑफ के वो जुर्म कितना इन्फ्लुएंस वो कर रहा है। ये जो सारा जो प्लान बना है, इसके तो यूजुअली एक तासर ये है साथियों के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ बस 5 साल में एक दफा जब इलेक्शन होते हैं तब ये जाग जाते हैं, और नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी पे क्या क्या काम कर, आई वुड से कि अगर आप सिर्फ ये देख लें कि जो पोलिंग का अमला हमारा है, पोलिंग स्टाफ, वी हैव अराउंड 8,50,000 का पोलिंग का अमला, और उनकी तरबियत जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, हमारे अपने लीड ट्रेनर्स थे, फिर उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया और हमने कैस्केड की ये ट्रेनिंग्स। तो ये जो 8 लाख किस तरह पोलिंग करवानी है, जी किस तरह, और ये 2 दिन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग थी उसमें मॉक पोल्स कराए गए, उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं हमारे डिफरेंट उनको फिल कराया गया, बार बार उसकी एक्सरसाइज कराई गई, और ये तरबियत ये दी गई कि कब किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी के साथ, किस तरह उसको बगैर बायसेस के उन्होंने वहाँ पर कंडक्ट करना है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है जो बाय इलेक्शंस होते हैं या वोटर्स लिस्ट, तो इसी भी पूरा मतलब पूरे 5 साल ही काम मुख्तलिफ तरह के करना होता है। हमारी एनुअल रिवीजन होती है इलेक्टोरल रोल की जिसमें हमारी डोर टू डोर वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद हमारा इलेक्टोरल रोल यानी कि जो हमारी वोटर्स की लिस्टें हैं वो फिर अपडेट होती हैं, रिवाइज होती हैं हर साल। अभी इस दफ़ा हमने इलेक्शन नज़दीक जाके की जो कि 30 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों में, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम अगेन जो मैं भी आपसे कहें, बहुत कुछ इस दफ़ा पहली दफ़ा, और बड़ा एक्साइटिंग भी है इस दफ़ा कि ख़वातीन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, माजूर अफराद के लिए बहुत कुछ इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने किया, रैंप्स, ट्रांसजेंडर के लिए किया। जी बिल्कुल, रैंप्स 4 सूबों में सूबाई गवर्नमेंट्स को बार बार चीफ साहब ने लेटर भी लिखे और अहकाम जारी किए कि पहले तो स्कूल सारे ग्राउंड फ्लोर पर हों, जो पोलिंग स्टेशन हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर होने चाहिए स्कूल्स, वही बिल्डिंग्स लें जो कि ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद अगर कहीं पे ग्राउंड फ्लोर में भी स्टेयर्स हैं तो वहाँ पे रैंप्स बनाए जाएं ताकि माजूर अफराद जो हैं उनके लिए जी एक्सेसिबिलिटी का इशू ख़त्म हो जाए। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये भी हिदायत जारी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि वहाँ पानी का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पोलिंग स्टेशन वेल लिट होने चाहिए, फिर वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए वोटर्स के लिए भी और पोलिंग के अमले के लिए भी। आपके ख्याल में इन चीज़ों पे अमल दरामद हो रहा है इस दफ़ा, मतलब रैंप्स, मेरा खैर नहीं ख्याल कि सारे पोलिंग स्टेशन पे रैंप्स होंगे लेकिन काम तो हो रहा था इस सिलसिले में। आई वुड से कि 100% में भी कंप्लायंस हो या ना हो लेकिन काम शुरू था,
और हमें उम्मीद है कि 50% से ज्यादा कंप्लायंस इस दफा इसके ऊपर होगी। ग्रेट, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि किसी भी शख्स को वोट डालने से, चाहे वो मर्द है, चाहे वो कोई औरत है या कोई ख्वाजा सरा है, उसको वोट डालने से अगर रोका जाएगा या उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो 3 साल तक की कैद और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कोई भी हलका, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके अंदर 10% ऑफ खवातीन वोटर्स से कम पोल हुई, खवातीन के वोट आए, उसका नल एंड वॉइड, या वो क्या उर्दू में कहते हैं जी, कलदम कलदम करार दे दिया जाएगा वहां का नतीजा। और कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे रैंप्स हो ताकि व्हीलचेयर फ्रेंडली उसको बनाया जा सके। और नाबीना अफराद का भी हम वीडियो में भी देख रहे थे कि आप किसी साथी को साथ लेके जा सकते हैं जिसको आप ट्रस्ट करते हो, वो स्क्रीन के पीछे जाके आपके पसंद के उम्मीदवार या पार्टी के सिंबल पे या उस उम्मीदवार के सिंबल पे या पार्टी के सिंबल पे मोहर लगाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये डिसेबिलिटी फ्रेंडली इलेक्शंस इनको हम देख रहे हैं आने वाले जो कि कल है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप घर से निकलें और वोट डालने जाएं और अपने घर के खवातीन को भी लेके जाएं। एक छोटा सा मशहूरी ब्रेक और मशहूरी ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं निगत हमारे साथ। जी जनाब, वेलकम बैक। आज शाम 4 बजे आप हमारा ये शो नहीं देख सकेंगे, रात शब 12 बजे देखेंगे, यानी कि इलेक्शन का दिन शुरू हो चुका, इलेक्शन की डेट तारीख शुरू हो चुकी होगी। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने आपका वोट बना हुआ है तो प्लीज़ आज आपने, यानी अगर अभी देख रहे हैं तो कल आपने वोट ज़रूर डालना है, इलेक्शन को कामयाब बनाना है। जितनी ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट निकल के हमारे सामने आएगा। अच्छा निगत, ये बताइए, निगत सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। निगत, ये बताएं कि वैसे तो हम कहते रहते हैं जी कतार बनाइए, कतार बनाइए, और कल इलेक्शन के दिन या आज इलेक्शन के दिन भी कतार बनी होगी, लेकिन कोई सिफारिश वगैरह चल सकती है कि यार भाई मैंने जाना है, जरा हंडिया में रख के आई हूँ, जरा बहन मुझे जरा जल्दी से जरा वोट डलवा दे, किसी को फौकियत होगी या सबने कतार में खड़े होना है? कितार पहले तो बनाना एक महजब कौम की निशानी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम कितार में खड़े हों तो हमारी बारी जल्दी आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि इस दफ़ा थोड़ी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है माजूर अफराद के लिए, एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए, बुज़ुर्ग अफराद के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, कि वो लाइनों में खड़े, कितारों में खड़े होने के बजाय वो प्रेफरेंशली उनको इजाज़त होगी कि वो आएँ और वोट डालें। और इसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल थी कि वो अगर इस तरह के कोई भी अफराद आते हैं तो उनको फौरी तौर पे वोट डलवा के फारिग कर दें। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब माजूर अफराद पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो पहली दफ़ा हमने पायलट किया है ब्रेल पोस्टर, कि जो वोटिंग प्रोसीजर है उसका हमने ब्रेल पोस्टर वहाँ पे पेस्ट किया है आउटसाइड पोलिंग स्टेशन, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड जो अफराद हैं, नाबीना अफराद, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे 2D पिक्टोरल है इमेजेस, और जो राइटिंग है वो ब्रेल में इस दफ़ा हमने उनके लिए वहाँ पे मुहैया की है। वैसे पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी भरपूर एहतमाम किया है, ख़वातीन हज़रात जो हमारी खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन है जो कि कल से आप देख सकेंगे अगले 2-2.5 दिन के लिए, उसके अंदर हम जो साइन लैंग्वेज है उसके ज़रिए भी आपको रिजल्ट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन नाबीना अफराद के हवाले से ये चीज मुझे बहुत पसंद आई कि और आपको बताते चले साथियों कि जिसको सोच रहा हो ब्रेल सिस्टम क्या होता है, ब्रेल सिस्टम वो तरीका होता है जिसमें कोई नाबीना शख्स अपने हाथ की उंगलियों से, आप समझिए जैसे हम नजर से पढ़ते हैं, वो हाथ की उंगलियों से हाथ लगा के पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा जो पोलिंग का जो प्रोसेस है जो भी आपने वीडियो में देखा वो नाबीना अफराद, और ये हर पोलिंग स्टेशन पे तो शायद अभी ये पायलट किया 300 पोलिंग स्टेशन पे होगा, और वो हमने डेटा लिया है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे ज्यादा माजूर अफराद जा रहे होंगे वहां पे हमने इसको लगाया है। एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल के लिए, कि घर से निकलने से पहले या तो आज ही कर लें या कल सुबह सुबह निकलने से पहले 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड SMS करें, लिख के SMS करें, तो आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसका एग्जैक्ट एड्रेस और आपका जो सीरियल नंबर है इलेक्टोरल रोल में, जैसे मेरा अगर
लेट्स अस्यूम 75 है सीरियल नंबर इन द इलेक्टोरल रोल और मैं वोट डालने जाती हूँ, मुझे पता है कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, तो वहाँ जाने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरा 75 पे है। जी बिल्कुल, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए भी। पता लग सकता है? या आप 8300 नंबर पे अपना शिनाख्ती कार्ड का नंबर डाल के उसको SMS कर दें, 8300 पे, उस पे हम अपना शिनाख्ती कार्ड लिख के SMS करें तो हमें पोलिंग स्टेशन भी आ जाएगा और हमारा जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर है, जो इलेक्टोरल रोल का सीरियल नंबर है वो भी आ जाएगा। उसका फायदा ये है कि आपको पर्ची वाले सिस्टम से आप निकल जाएंगे, आपको एग्जैक्ट एड्रेस समझ में आ जाएगा कि किधर आपने जाना है, और फिर आपका अगर सीरियल नंबर आपके पास है तो आपको ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगेगा पोलिंग स्टेशन। ग्रेट, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी टिप्स थी जो हमने सोचा कि आज के इस सेगमेंट में, इस एपिसोड में आप तक पहुंचाए जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, शाम 4 बजे रिपीट नहीं है, शब 12 बजे है, इलेक्शंस हैं, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, और जमहूरी अमल का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसको हम इंतखाबात कहते हैं, जनरल इलेक्शंस कहते हैं, आम इंतखाबात। ये कौम इस अमल से गुजरने जा रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे कल सुबह। खुदा हाफिज़।